आइए आप लोगों को ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ के लोग रहते हैं दिन भर नशे में चूर, और खास बात तो ये है कि पूरा का पूरा गांव ही शराबी है। आइए आप लोगों को ले चलते हैं ऐसी गांव जिस गांव का नाम है मतलापुर। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है? उस आदमी का सिग्नेचर लिखा सिग्नेचर अगर ना हो। मैं शराब ना पी शराब ना नाम बता दीजिए। एक मिनट। अब आप अपना नाम बता दीजिए। जब पहले उस आदमी का साइन ले के आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा। ये देख मैं शराब शराबी। हाँ तो भाई अब तो आप अपना नाम बता दीजिए। ये हम शराबियों का गांव है, तुम्हारे बाप का स्टूडियो नहीं। जब तक खड़ा रहने को बोला जाए शराब से खड़ा रहा, वरना तू लत। देखिए देखिए एक और शराबी दिख गया इस गांव का। आइए चलते हैं उनके पास और उनसे जानकारी लेते हैं। हाँ तो हम आपके गांव आए हैं आप लोगों का इंटरव्यू लेने। तो सबसे पहले दुनिया आपके बारे में जानना चाहती है, तो आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। ये पुष्पा की बहुत बड़े आशिक हैं। इन्होंने अपने बॉडी पे लिखवा के रखा है पुष्पा का आशिक। तो आप बताइए इतने बड़े शराबी कैसे बने? दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे जीते हैं। हाँ तो लगता है कि इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। हाँ तो फिर भी जानना चाहते हैं कि आपका दिल कैसे टूटा? इक्स न करना। हाँ तो आखिरकार हम उस जगह पहुंच ही गए जहाँ पे इस गांव का सबसे बड़ा शराब का अड्डा है। तो आइए मेरे साथ अभी देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अभी शराब पी रहे हैं। हाँ तो देखिए हमें एक शराब पीते हुए अड्डे का पता चला। देखिए वहाँ 3-4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं। आइए इनसे इनकी जानकारी लेते हैं। हेलो
लोग हम देसी पंटर न्यूज से आए हैं, तो आप लोग का इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू के लिए आया भाई साहब, ये इंटरव्यू का होता है? पता नहीं। सही लग रहा है। क्या होता है? इंटरव्यू लेने आए, इंटरव्यू देसी पंटर यूट्यूब चैनल से। साइकिल नहीं था? साइकिल नहीं, इंटरव्यू लेने आए हैं। चल अरे भाई, छुट्टा दे दो उसको। दारू नहीं पीना है। इंटरव्यू लेने आए हैं आप लोग को, पूछना है कि दारू से क्या क्या फायदा होता है। अच्छा अच्छा, फायदा बहुत है। हाँ तो सर, आप लोगों से सबसे पहले ये सवाल है कि दारू पीने से फायदा क्या होता है? मोहब्बत अच्छे अच्छे को रुला देता है, हंसते हुए को भी रुला देता है। दारू एक ऐसी चीज है, सारे गमों को भुला देता है। हाँ तो सर, हमने सुना था कि इस गांव में तो दारू बंद है सर, तो आप लोग ये दारू लाते कहाँ से हैं? कैसे बता दे? बता दीजिए ना। कैसे बता दे भाई, उसका भी तो बाल बच्चा है, एक तो हम लोग वहाँ जाते हैं पी के आते हैं, आते कि नहीं, उसका बाल बच्चा है। अगर हम लोग दारू लाना छोड़ देंगे तो उसका आमदनी कम हो जाएगा, फिर उसका बाल बच्चा रोड पर आ जाएगा, ये पाप कौन धोएगा? सीमा धोएगा? नहीं ना। हाँ तो सर, आप बहुत ज्यादा दारू पिए हुए लग रहे हैं सर, तो सर आपसे एक सवाल है कि आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में बीड़ी गुटका बीमार सब मेरा औलाद, और भांग गांजा सब मेरे रिश्तेदार है। तेरी बोतल है जो बोतल में हुआ कैमरे पीपी है। अरे हमारा, अरे हमार मेरे दिलुबा। हाँ तो सर, आप लोगों से एक सामाजिक सवाल सर, आपके गांव का विकास और प्रगति कैसा है? विकास लखोर है, और प्रगतिया साला दूसरा संगे भाग गई। हाँ तो सर, अब सवाल आपसे है, आप लोग इतना दारू पीते हैं, आप लोग को मरने से डर नहीं लगता है? बोतल मेरे कफन में साल में बैठ गए, क्या करेंगे? एक बैग बना के उसको भी दिया करेंगे। हाँ तो सर, अब सवाल आपसे है, आप इस झुंड में सबसे समझदार लग रहे हैं सर, सर ये बताइए कि दारू पीने से वाकई में क्या फायदे हैं सर? देखिए, दारू पीने से एक तो इंग्लिश आ जाती है, माइकल जैक्सन जैसा डांसर आ जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे घर वाले से आंखें मिलाने की ताकत आ जाती है। और क्या फायदे हैं सर? अरे कैप्टन का फायदा ये है कि उसका जरूरत नहीं पड़ता, आदमी उड़ने लगता है। इतने फायदे हैं दारू को, तो थोड़ा हम भी पी के देखते हैं। रिपोर्टिंग जाए भाड़ में अब दो दारू। नो 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 नो। हाँ
Oh.